प्रस्तुत है लोक संपदा के संस्कार गीतों पर आधारित कार्यक्रम संस्कार सरिता। संस्कार सरिता के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपका साथ निभाने आ गई हूँ मैं श्वेता शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। भारतीय संस्कृति विश्व की एक ऐसी संस्कृति है जिसकी परंपराएं, रंग भरे उत्सव हर किसी को रोमांचित कर देती है, और उसमें भी गोद भराई का उत्सव हो तो बात ही क्या है। जब भी किसी समारोह की बात आती है तो चारों ओर संगीत, रस्में, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों की चहल पहल सब देखने से मन खुशी से नाच उठता है। आज आपके लिए हम लाए हैं जबलपुर के लोकगीत जो आधारित है गोद भराई रस्म पर। लोकगीतों और लोक गाथाओं से हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि कैसे हमारे पूर्वज परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ साथ हमारे संस्कारों को किया करते थे। शिशु जन्म के बाद नेक देने का रिवाज है। घर आए मेहमानों को अच्छा अच्छा खाना परोसा जाता है, गीत गाए जाते हैं और गर्भवती महिला को आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही घर में आए नए नन्हे मेहमान से और माँ से मिलने सब आते हैं और अपना अपना नेक भी मांगते हैं। पर पति के परदेश होने के कारण बहू गोद में नवजात बच्ची के होने पर नेक ना देने में असमर्थ है, और ऐसे में वो क्या सोच रही है, आइए जानते हैं इस लोकगीत के माध्यम से। परियार को राते बालक बैसी पसीताल करिया कोयल वातुए रसीतु तलगम तलमाने हिंग पोयार वातुए रसीतु तलगम तलमाने नेम तबेरा पैसा हिलन रागल नातर तने सजाम बाबा के काराम पोयार आता नाना बाबा के कराम नावा पोयर गुस्साया सीत बाबा के कराम पोयर गोराते बालक बैसी पसीताल पोयर गोराते बालक बैसी पसीताल जठानी वात गाटो सिंधु तलकुन अपमाने जठानी वात गाटो सिंधु तलकुंद अपमाने नेंग तबेरा पैसा हिलन राजल हतर परदेश साया सितमा जठानी बाबा के कराम गुस्साया सितना जठानी बाबा के कराम हरियर को राते बालक बैसी पसीतार करियर को राते बालक बैसी पसीतार रानी वातु दिक्री सुतु तलकु तनवाने देवरानी वातु दिक्री सुतु तलकु तनवाने नेम तबेरा पैसा हिलत रोजल हत्तर परदेश गुस्साया सित देवा देवरानी बाबा के कराम गुस्साया सितना मादरानी बाबा के कराम। सभी को जिसके लिए इंतजार था माता पिता बेकरार थे, वो घड़ी जब करीब आती है तो हंस के मुस्कुराकर उस नन्ही सी जान को घर लाने की सभी को जल्दी होती है, जिसके आने की खुशी में घर को सजाया जाता है। दादा दादी नाना नानी सब तैयार होते हैं उसके स्वागत के लिए। ऐसे में छठी का निमंत्रण बहू के मायके वालों को भेजा जाता है। क्या क्या होता है छठी के उत्सव पर, आइए जानते हैं इस गीत को सुनकर। रोते बेला जले मले आता समधि भैया निया रोते बेला जले मले तरीना को नानरे नानी रो नवा समधि भैया तरीना को नानरे नानी तरीना को नानरे नानी रो नवा समधि भैया तरीना को नानरे नानी अदे बेला समय
अदे बेला फूले माता, अदे बेला फूले माता नवा समय दी भैया, अदे बेला फूले माता, अदे बेला फूले माता नवा समय दी भैया, अदे बेला पर लगता फूल से भैया, अदे बेला पर लगता नाको नानर नानी र नवा समय दी भैया, तरी नाको नानर नानी र नवा समय दी तरीना को नानर नानी, नवा समय दी भैया अदे फरत अदे फरत ने पगड़ी ते आजा, नवा समय दी भैया अदे फरत ने पगड़ी ते आजा, नानरे नानी रे नवा समय दी भैया, तरी ना को नानरे नानी, तरी ना को नानरे नानी रे नवा भैया, तरी ना को नानरे नानी। जब पत्नी को संतान होने वाली है और वो आधी रात को प्रसव पीड़ा से बेचैन हो रही है, तब वो अपने पति को दाई को बुलाने के लिए कहती है। ऐसे में पति उसे सब्र करने के लिए बोलता है और सुबह होने का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी बाहर अंधियारा है और मैं कैसे बाहर जाऊं। पति अपनी पत्नी को समझाता है तो पत्नी कहती है, मशाल ले लो और हाथ में लाठी भी रख लो, पर अभी दाई को लेकर आओ। प्रस्तुत है गीत जिसमें गर्भवती महिला दाई को बुलाने के लिए अपने पति से विनती कर रही है और पति कैसे दाई को मनाता है अंधियारी रात में साथ चलने के लिए। नन बह बात करनिया बड़ा अंधियारी रात, नन बह बात करनिया बड़ा अंधियारी रात, दे लठिया भैया उड़े कह दे मसिया, उड़े कह दे लठिया भैया उड़े कह दे मसिया, उड़े कह दे लठिया भैया उड़े कह दे मसिया, रे ना रे ना रे ना बाबा रे ना चलो मायन गयो उर जय माता, चल सोए
इने चलो माँ गया गुरु जे माता। नया मेहमान आ गया है, घर आंगन फिर से सज उठा है, उसके स्वागत में पूरा गांव बुलाया गया है। नए रिश्ते बन जाते हैं एक नए सदस्य के आने से, कोई मामा तो कोई मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, भाई बहन, सबकी तरक्की हो जाती है नए रिश्ते बनने से। और इन सब में सबसे बड़ी पदवी मिलती है घर के बड़ों को, यानी दादा दादी और नाना नानी को। घर के आंगन में चंदन का पालना है, नन्ना मेहमान उस पलने में है और सभी उसे झूला झुलाना चाहते हैं। दादा दादी नाना नानी की खुशी का ठिकाना नहीं है, सभी उनसे कह रहे हैं कि चंदन के पालने में रेशम की डोर लगाकर बच्चे को झूला झुलाएं और हम सभी को उसे झुलाने का अवसर भी दें। परिवार में शामिल हुए नए मेहमान को सभी आशीर्वाद देते हैं। ढोल और मंजीरों की मधुर आवाज में अपनी मीठी सी आवाज को मिलाते हुए जब छोटा सा बच्चा रोता है तो घर आंगन एक नए संगीत से गूंज उठता है। जबलपुर का ये लोकगीत आपके लिए। खुशियों के पल, हर चेहरे पर मुस्कुराहट और दुआओं के सागर से भरा माहौल एक गर्भवती महिला को नई ऊर्जा और चेतना से भर देती है, उसके भय और थकान को कम कर देती है गोद भराई छठी जैसे उत्सव। हर गर्भवती महिला को उसके नए सफर की शुभकामनाएं देते हुए आज के संस्कार सरिता कार्यक्रम में अपनी दोस्त श्वेता को दीजिए इजाजत। फिर कुछ और लोक गीतों के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आज के संस्कार सरिता कार्यक्रम में शामिल किए गए लोक गीत हमने आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से प्राप्त किए। अभी आप सुन रहे थे लोक संपदा के संस्कार गीतों पर आधारित कार्यक्रम संस्कार सरिता।